सो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो आज दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाइज। हम एक पंखा लाए हुए हैं जो ऊषा का, दोस्तों आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके ये कितने का पंखा मैं लाया हूँ, क्या इसकी क्वालिटी है और कितने वाट का है गाइज, कहाँ से इसे ख़रीदा है और कितने ईयर की वारंटी दोस्तों इससे दे रखी है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस पंखे की। तो दोस्तों हम खोलते हैं, चलिए आप देखते रहिए। तो देखो दोस्तों हमने खोल दिया है और देखिए इसमें क्या क्या निकलता है, पहले देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों एक ये निकला हुआ है इसमें, जो इसमें दोस्तों हम ऊपर लगाएंगे ऊपर छत में, इसका जो है एक पाइप सा निकला हुआ है जिसमें हम पंखे को मतलब इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ पर रख दे रहे हैं इस तरह। और ये दोस्तों इसमें एक वारंटी कार्ड निकला हुआ है, तो ये दोस्तों यहाँ पर रख दे रहे हैं। और ये दोस्तों ये निकला हुआ है इसमें छोटा, और ये पंखा है गाइस, इस तरह का पंखा है आप देख सकते हैं ये देखिए। और इसमें निकला है ये, इसमें कसने वाला जो है ना वो बुलेट वगैरह है, कुछ तार सा है ये देखिए। और इसका ये जो कसने वाला है ऊपर का, ऐसे इसमें लटकाएंगे ना। तो दोस्तों ये हमने रख दिया, इस तरह का बॉक्स दिख रहा है आप देख लीजिए दोस्तों। नकली से बचते रहिए उसे के पंखे से, और असली दोस्तों खरीदिए। ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रख दे रहे हैं, देखिए गाइस अभी वारंटी कार्ड मैंने ले लिया है। तो इसमें दोस्तों देख गया कि ये आप देख पा रहे होंगे 2 ईयर्स की वारंटी दिखा रहा है इसमें, देखो 2 ईयर्स वारंटी का। तो दोस्तों ये फ्री होम सर्विस है, मतलब जहाँ से आपने ख़रीदा है वहाँ पर मतलब आपका जैसे पंखा सपोज करो ख़राब हो गया, तो दोस्तों आप जहाँ से आपने पंखा ख़रीदा है वहाँ पर दोस्तों नहीं है वारंटी, मतलब वहाँ पर सही नहीं करेगा, आपको इस नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा, इसमें नंबर दिया हुआ है। तो वो दोस्तों ये कंपनी का जो ऊषा का जो है ना बंदा आएगा वो इसको सही करेगा, ना कि दोस्तों वो सही करने वाला है कि जहाँ से आपने ख़रीदा है। तो ये दोस्तों लिखा है फ्री होम सर्विस, मतलब जहाँ आप कॉल करेंगे इसमें एक कस्टमर नंबर दिया हुआ है, तो कस्टमर सर्विस, तो उसके थ्रू बंदा आएगा तो आपका ये पंखा सही करेगा। इसलिए दो वर्ष की वारंटी इसमें दी हुई है गाइस। और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये देखो हमने ख़रीदा ये पंखा दोस्तों सिंह इलेक्ट्रिकल करके, ये उसने हमें मोहर लगा के दी है, गली नंबर सदरपुर खरूज कॉलोनी सेक्टर 45 गाइस, सेक्टर 45 नोएडा में, नोएडा से दोस्तों मैंने ये ख़रीदा है। इसका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इसी से बात करनी होगी यहाँ पर पीछे। और सब कुछ दिया हुआ है इसमें, एड्रेस वगैरह, मॉडल नंबर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन और सारी चीज़ें इसमें मेंशन करके दी हुई हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ से ये बना हुआ है, कहाँ का बना हुआ है, दिल्ली से, तो ये सब कुछ सारा लिखा हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें लग रहा है। ये देखो दोस्तों इसमें ये निकला हुआ है, आपको दिखा रहे हैं देखिएगा। ये देखिए एक दोस्तों ये ऊपर लगता है इस तरह, और एक नीचे लगेगा ऐसे पंखे के इस तरह, और एक ऊपर लगता है। तो यहाँ पर दो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी सॉफ्ट क्वालिटी के हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया ऊषा का है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये कसने के लिए एक वो दिया है पिन, और ये जो है ना सबसे मुख्य पार्ट होता है गाइस जो पंखे का, इसी में सारा मोटर स्टेप को किस तरह खोलता है। देखिए ये दोस्तों निकाल लिया है इस तरह, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे वाइट कलर का है दोस्त, कलर इसका वाइट है, और बहुत अच्छा कंडेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, और एक ब्राउन कलर का भी आता बट मैंने वाइट कलर चूज किया। इसकी दोस्तों जो प्राइस है वो बता रहा था दोस्तों 1450, बट बहुत ही ज़्यादा जब कन्वेंस किया तो उसने 1400 का दिया है मुझे, मतलब 1400 का ये पंखा पड़ा हुआ है ऊषा का गाइस। ये सेलिंग फैन है, और मैंने ये ब्लेड हैं जो निकाल लिए हैं अपने उस दोस्तों पॉली में से, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, ऊषा की पंखे की आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लेड पैक हैं देखिए गाइस, बहुत अच्छी तरीके से इसमें उन लोगों ने पैक करके दिए हैं ये देखिए। तो इनको भी मैं खोल लेता हूँ, एक एक करके ब्लेड खोल लेता हूँ गाइस, फिर आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने ब्लेड खोल लिए हैं, ये देखिए गाइस इस तरह के ब्लेड हैं, और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप खोलते वक्त, ये कहीं बैंड ना हो जाए, अगर बैंड हो जाएंगे दोस्तों तो फिर हवा नहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो खोलते वक्त ये दोस्तों याद रखिए कि इसके जो है ना
ये जो पंख है ना, ये ब्लेड ये बेंड ना हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से खोलना है आपको, बहुत ही सूझबूझ के साथ। ये बेंड हो गए तो फिर पूरा पंखा बेकार हो जाएगा गाइस, ये दोबारा मिलते भी नहीं और सही भी नहीं होते, मिल जाते हैं लेकिन सही नहीं होंगे दोस्तों बेंड अगर हो गए एक बार। अगर ये देखिए गाइस इस तरह का, तो दोस्तों ये सब मैंने आपको दिखा दिया है और इसका रेट भी बता दिया है कितना रेट है दोस्तों, और बहुत अच्छे क्वालिटी का है।